गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, 5, 5:30 हो रहे हैं। तो आज बनाऊंगी मैं लिंगड़ी की सब्जी। ये होती है लिंगड़ी, कई जगह लिंगड़ भी बोलते हैं, कई जगह लिंगड़ी भी बोलते हैं। तो हमारे लिंगड़ी बोलते हैं, लिंगड़ी की सब्जी बनाऊंगी। ये हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह पाया जाता है, मतलब हाइट वाली जगह में होता है ये, लो हाइट में नहीं होता है ये। तो नीचे नीचे नहीं होता ये, जहाँ ठंडा इलाका है वहीं पे होता है। तो इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है। तो थोड़ा सा इसमें दही डाल के, मतलब बहुत स्वाद होती है। आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले तो इस लिंगड़ को, जो ये लिंगड़ होता है ना, इसको साफ करना पड़ता है। इसमें जो बाल बाल होते हैं ना, ये साफ करने होते हैं। जो इधर के लोग हैं उनको तो सबको पता है लिंगड़ी क्या होती है, लिंगड़ी की सब्जी क्या होती है। जो नीचे के लोग हैं उनको नहीं पता कि ये जंगली सब्जी है, जंगलों में होती है। इसका कोई बीज नहीं होता ना, इसको उगाते हैं, खुद से लगती है। पर सब्जी इसकी बहुत स्वाद होती है। तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो पहले मैं इसको साफ करती हूँ। अब मैं इसको साफ कर रही हूँ लिंगड़ी को। इसमें बाल बाल होते हैं तो उसको अच्छे से साफ करना पड़ता है। उसके बाद इसको कट करते हैं, तो उसके बाद इसको वॉश करते हैं। अच्छे से वॉश करूँगी लास्ट में। पहले इसको साफ करना, उसके बाद कट करूँगी। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तो तेल गर्म हो चुका है। तो मैं इसमें डालूंगी साबुत धनिया, थोड़ा सा हाथ से क्रश करके। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं, तो सिंपल सी बनती है पर खाने में बहुत स्वाद होती है। तो अब मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी और थोड़ा सा मेथी दाना डालूंगी। तो अब मैं इसके बाद इसमें डालूंगी एक बड़ा कटा हुआ प्याज। तो प्याज मैं इसमें डाल दूंगी और उसके बाद मैं इसको चलाऊंगी। टमाटर इसमें नहीं डलता है, तो इसमें इतना ही सामान डलता है। अब मैंने इसमें दो मिर्च डाले, हरे मिर्च कटा हुआ, और थोड़ा सा लहसुन डाला। तो अब इसको भी थोड़ा सा चलाऊंगी। तो हमारा जो तड़का है भुन चुका है। तो अब हमने इसमें डालना है लिंगड़ी जो मैंने काटा हुआ है, अच्छे से वॉश किया है। तो अब मैं उसमें डालूंगी कढ़ाई में। तो अब मैं ये तड़का, मेरा तड़का बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा हल्दी डालूंगी, 1 चम्मच हल्दी। तो अब मैं इसको इसमें मिक्स करूंगी। तो अब हमारा ये जो तड़का है बिल्कुल तैयार होगा। थोड़ा सा मैं लाल मिर्च डालूंगी पाउडर, तो ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते हैं तो कम ही खाते हैं। तो अब मेरा ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब मैं डालूंगी इसमें लिंगड़ी। तो अब मेरी सब्जी बन के बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी या वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।